हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सी नई चीज़ें जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ी और इस क्लास में पढ़ोगे उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हों और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाओ ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी देख सको। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो उन्हें लाइक करो और अगर नहीं आती तो डिसलाइक करो। फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताओ और शेयर करो। तो इसमें सबसे पहले हम एंगल की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और एंगल बनता कैसे है, होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो एंगल की डेफिनेशन है, द मेजर ऑफ एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, द मेजर ऑफ एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन इज अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। आपके सामने एक फिगर पड़ा है, ए वाली साइड को हम लेंगे ओरिजिनल साइड या फिर हम इसे कह देंगे इनिशियल साइड, और दूसरे वाले साइड को हम लेंगे टर्मिनल साइड। दूसरी वाली साइड होगी हमारे पास टर्मिनल साइड। तो रोटेशन फ्रॉम ओरिजिनल साइड टू टर्मिनल साइड, इतना रोटेशन जो हुआ हमारे पास, तो हमारे पास ये एंगल आया जिसे हम थीटा कह देते हैं। तो ए ओ जो है हमारे पास इनिशियल साइड है और ओ बी जो है हमारे पास टर्मिनल साइड है। ओरिजिनल साइड टर्मिनल साइड जब बनी तो इतना रोटेशन हुआ, और जब इतना रोटेशन यहाँ से यहाँ तक का हुआ तो हमारे पास जो एंगल बना उसको हम नाम दे देते हैं थीटा। तो एंगल की डेफिनेशन है, द मेजर ऑफ एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। अब हम देखते हैं सेंस ऑफ एंगल के बारे में। सेंस ऑफ एंगल का मतलब है डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मतलब ये डिटरमाइन करना कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कहाँ से कहाँ हुई है। एक डायग्राम मैंने आपके सामने दो डायग्राम बनाए हैं, इन दोनों में जो बेस लाइन इनिशियल साइड ले रहा हूँ मैं, वो ये वाली साइड ले रहा हूँ इनिशियल साइड, और बाकी दो साइड्स को मैं टर्मिनल साइड्स ले रहा हूँ। यहाँ पर ये है हमारे पास टर्मिनल साइड और यहाँ पे ये है तुम्हारे पास टर्मिनल साइड। एज मैंने आपको बताया था कि इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की रोटेशन होती है एंगल, तो यहाँ पे ये बन गया थीटा और यहाँ पे ये, बट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। जब हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो वो राइट डायरेक्शन होती है और उसमें थीटा पॉजिटिव लेते हैं हम, यानी एंगल पॉजिटिव। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ जाना क्लॉकवाइज, तो जो एंगल बनता है वो नेगेटिव होता है, तो थीटा माइनस थीटा हो जाएगा पॉजिटिव थीटा रहने के बजाय। तो ये था हमारे पास सेंस ऑफ एंगल। इसके बाद हम तीन सिस्टम्स पढ़ेंगे ताकि हम एंगल के मेजर्स को जान सकें। तो सबसे पहला हमारे पास जो सिस्टम है वो होगा इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम के मुताबिक हमारे पास एक राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, वन डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इस साइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं मिनट्स, एक ऊपर कॉमा, और उसके बाद वन मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, डबल कॉमा 60 seconds। सो ये था हमारा इंग्लिश सिस्टम, जहाँ पे वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, वन डिग्री इज इक्वल टू 60
minutes, and 1 minute is further equal to 60 seconds. Next है हमारे पास similarly से related फ्रेंच सिस्टम. यहाँ पे हमने सब डिग्री के बारे में एक राइट एंगल को मेजर किया, बट अब हम यहाँ पे राइट एंगल जो है वो डिग्रेड्स के बारे में मेजर करेंगे. तो यहाँ पे जो है वन राइट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है 100 डिग्रेड्स. जी ऊपर लगा देंगे तो वो बन जाएगा डिग्रेड्स, 100 डिग्रेड्स. सिमिलरली फिर वन डिग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स कॉमा, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 डिग्रेड्स, 100 सेकेंड्स, सॉरी. सो दिस इज 100 सेकेंड्स जो हमने रिप्रेजेंट किया है, एंड दिस इज 100 मिनट्स. सो आई रिपीट, अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच सिस्टम, वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 डिग्रेड्स, वन डिग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट्स, and further 1 minute is equals to 100 seconds. This was the French system. The last most system we are going to study is the circular system. It is the circular system. Circular system में हम radian में measure करते हैं. वो क्या होता है? Pi radian की value होती है 180 degrees. या फिर pi radian is equal to 180 degree. This is the symbol of representation of radian. Similarly, one right angle कितना हो जाएगा? 180 का half, यानि pi radian by 2. Pi radian 180, 180 by 2, 90. तो ये थे हमारे तीन systems, English system, French system and the circular system. English system, one right angle 90 degree, 1 degree 60 minutes, 1 minute 60 seconds. French system, one right angle 100 degrees, one degree 100 minutes, and 1 minute 100 seconds. Circular system, pi radian is 180 degree, and for that, one right angle is equals to pi radian by 2. अब हम एक question discuss कर लेते हैं ऊपर वाले system पे based. तो हमारे पास question number 1 ये है. You are supposed to convert the following degrees into radians. मैंने आपको बताया था pi radian is equal to 180 degree. तो वही formula से लगाएंगे. First हमें 30 degree को convert करना है, second हमें 45 degree को convert करना है, और third हमें 1080 degree को convert करना है. इसमें से जो आपका ये वाला पार्ट है 45 डिग्री वाला पार्ट, ये आपका होमवर्क रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में इस होमवर्क की डिस्कशन की जाएगी, जो भी आज की पूरे वीडियो में होमवर्क दिया जाएगा. तो चलिए इसके आंसर्स पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं. हमें पता है फर्स्ट वाले पार्ट में कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर है. तो 1 डिग्री पाई रेडियन बाय 180 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसी हिसाब से 30 डिग्री, सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे 180 डिग्री इंटू 1 डिग्री हो गया, तो यहाँ से 180 नीचे आ गया और 1 बच गया वहाँ पे, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन बाय 180. तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन अपॉन 180 इंटू 30. सिंपल. नाउ कट इट 6, वी गेट पाई बाय 6. इसे सिंपल पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं. दिस इज द आंसर. लेट अस ट्राई द थर्ड वन एज वेल. सेकंड वन इज योर होमवर्क. 1080. सिंपल फिर से मैं लिखा, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इस हिसाब से 1 डिग्री इज पाई रेडियन बाय 180 डिग्री. देयरफॉर 1080 degree is equal to pi upon 180 into 1080. सिंपल सी बात है, अब इसे कैंसिल कर दीजिए, आपके पास यहाँ पे आएगा 6. सो द आंसर यू गेट विल बी 6 pi. इज इट क्लियर? इन्हीं फर्दर सिस्टम्स पे बेस्ड
हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं. कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री इनटू रेडियन. पर इस बार ही हमारे पास डिग्री है, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं. इस बार ही हम डिग्री में 40 degree 20 minutes. और नेक्स्ट लेते हैं हम एक फोर्थ टाइप का क्वेश्चन जो है 22 degree 30 minutes. सेकेंड वाला जो पार्ट है वो आपका होमवर्क रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे. फर्स्ट वाला पार्ट आप समझ लीजिए, 40 degree 20 minutes. सिंपल सी बात है, हम इसको देखेंगे. 20 minutes, मैंने बताया था 1 minute इज इक्वल टू, अगर हम डिग्रीज के बारे में बात करें, सो 1 minute इज इक्वल्स टू 60 seconds. इज दैट क्लियर? 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds. तो इसी तरीके से हम ये लगाएंगे 1/60. यहाँ पे होगा 1 minute इज इक्वल्स टू 1/60. सिमिलरली हमारे पास इसको छोड़ो, चलो सिंपल सी बात है, 1 degree इज इक्वल्स टू 60 minutes. ठीक है, अगर 1 minute रह गया तो ये हो गया 1 degree/60 हो गया. तो सिमिलरली 20 minute हो गया 1/60 × 20. सिंपल, इट विड बी 1/3. 1/3. नाउ 1/3 को अभी से आगे कैसे लिखना है 40 के साथ, 40 × 1/3. ये बन गया आपका एक टाइप से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है आपको एक टाइप से ये. तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के टाइप से लिखेंगे, 40 × 1/3. तो हो गया 121/3 degrees. अब डिग्रीज़ को तो आपको कन्वर्ट करना आता ही है. आप कन्वर्ट करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 121/3 को पाई बाय 180 से. कैंसिल कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 121 pi/540. फिर से देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है. 1 degree इक्वल्स टू 60 minutes, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में समझाया था. तो 1 minute, यहाँ पे 1 minute हमने साइड में निकाल लिया, 1/60 नीचे आ गया. 60 को 1 minute से, इसको सिंपल हम ऐसे लिखते हैं, 60 × 1 minute. अब ये 1 minute को हमने साइड में निकाल लिया और ये 60 को नीचे भेज दिया. अगर 1 minute 1/60 के बराबर है, अगर एक टॉफ़ी एक चॉकलेट के बराबर है, तो 5 toffees 5 chocolate के बराबर होंगी. सिमिलरली 1 minute 1/60 degrees के बराबर है, तो 20 minutes 1/60 × 20 के बराबर होंगे. उसके बाद आंसर हमारे पास ओवरऑल मिक्स फ्रैक्शन आएगा. इसे आपने टोटल में मिक्स फ्रैक्शन लेना है 40 by 1/3, और उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे ये आएगा आपके पास. तो आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो इसी वाले मेथड से. सेकंड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा. तो इन्हीं सिस्टम पे बेस्ड हम फर्दर क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में करेंगे, और साथ ही साथ होमवर्क के सॉल्यूशंस का डिस्कशन भी करेंगे और आगे फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशंस पार्ट 3 में देखेंगे हम. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे. बिफोर लीविंग, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को मत भूलना दबाना. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.